हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट टू। चलो, जब हम बात कर रहे थे अदर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उसमें हमने वर्ल्ड बैंक तो समझ लिया था कि वर्ल्ड बैंक हमारे पास क्या है, वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप कैसे है, क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करता है वर्ल्ड बैंक। तो आज हम जानेंगे एक और अदर जो इकोनॉमिक एसोसिएशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, उसके बारे में। वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है स्टूडेंट? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखो, वर्ल्ड बैंक को पढ़ाते वक्त मैंने एक बात आपको बहुत आराम से अच्छे से क्लियर की थी कि वर्ल्ड बैंक का जो मेजर रोल है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है। वर्ल्ड बैंक मेजरली पूरे वर्ल्ड वाइड पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए काम कर रहा है, और साथ ही साथ में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रेड एनहेंस करना, ताकि हर जो ग्लोबल लेवल पे जो कंट्रीज हैं वो ट्रेड के मामले में एक जैसे होके काम कर सके। अब इन सब चीजों के लिए ही वर्ल्ड बैंक काम करता है और लोन वगैरह सैंक्शन करता है। आज हम बात करेंगे कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके क्या रोल है, राइट। चलो, सो यहां पे लिखा हुआ है द IMF इज वन ऑफ द की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है, आप देखो, आप लोगों को मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स को काफी बार पढ़ा, अच्छे लेवल पे पढ़ा है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट आपने IMF का नाम कहीं ना कहीं तो सुना होगा, राइट। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन इन द डेकेड प्रीसीडिंग वर्ल्ड वॉर टू, कंट्रीज शार्पली रेज्ड बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर इकोनॉमीज। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से कंट्रीज ने क्या किया था, कंट्रीज ने बहुत सारे बैरियर्स को अडॉप्ट किया ताकि अपनी इकोनॉमी प्रमोट हो सके। अब मैं एक बात पहले मैं आपको यहां पर यह समझाना चाहूंगा कि यार ये क्या मतलब, क्या रीजन क्या है कि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से ही वर्ल्ड बैंक बना, या ग्रेट डिप्रेशन की वजह से ही IMF जैसी चीज को बनाया गया। स्टूडेंट्स देखो, ये शायद मैंने प्रीवियस किसी लेक्चर में थोड़ा सा ब्रीफ किया भी था, बट एक बार कर देता हूं ताकि जल्दी से एक क्विक रिवीजन, जिनको आता है वो स्किप कर दो वीडियो यहां से, और जिनको नहीं आता वो प्लीज एक बार देख लो। एक्चुअली 1914 से लेकर चली हुई 1918 तक की वर्ल्ड वॉर वन में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। दुनिया ने पहली बार यह देखा था कि एक्चुअली में इंसानों की जान इतनी सस्ती हो सकती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में जब हिटलर का राइज ही वहां से हुआ था, उन्होंने ये देखा कि लोग कैसे पागलों की तरह कंट्री और सब चीजों के नाम पे लड़ने बैठने को तैयार है, हर जगह सिर्फ खून ही खून था। तो उनको लगा कि यार इंसानी जान तो बहुत सस्ती है। जर्मनी की हार की वजह से, जर्मनी में एक वो था कि भाई मुझे तो कहीं ना कहीं से अपना बदला लेना है, तो 1914 से लेकर 1918 तक जो वर्ल्ड वॉर वन चली उसमें मेजर जो लड़ने वाले देश थे वो आज के मॉडर्न यूरोपियन जो नेशंस है और उन्हीं की जो टेरिटरीज हैं उन्हीं में सबसे ज्यादा लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई का एक बहुत बड़ा फायदा उठाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, और USA हमेशा से अपॉर्चुनिस्ट देश रहा है, उसने हमेशा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना सीखा। दैट इज व्हाई स्टूडेंट USA आज इस लेवल पे बैठा हुआ है। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतने ऊपर लेवल पे नहीं बैठा, उसके पीछे की बहुत ज्यादा उसकी जो पॉलिटिक्स है वो है। तो उस पॉलिटिक्स के अंदर जो मैंने आपको बताया कि एक जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन वो किस चीज का रहा, वर्ल्ड वॉर वन का। कैसे US ने इसका फायदा लिया? US ने ये देखा कि भाई वर्ल्ड तो आपस में लड़ रहा है, अब क्योंकि वो ये लोग लड़ाई कर रहे हैं तो इनको तरह तरह का सामान चाहिए होगा, मैं एक काम करता हूं इन लोगों को तरह तरह का सामान सप्लाई करना शुरू कर देता हूं। ठीक है, उसने बोला आपको कंज्यूमर गुड्स जितने भी चाहिए, क्योंकि तुम तो लड़ रहे हो, तुम्हारी फैक्ट्रीज तो काम करेंगी नहीं, तो आपको खाने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, सोने के लिए जो भी चीजें चाहिए मैं देता हूं। बिसाइड्स दैट आपको वेपन्स चाहिए लड़ने के लिए, तो वेपन्स भी लड़ने के लिए मैं आपको देता हूं। तो US जो था, इस वजह से 1920s में आते आते उसका एक्सपोर्ट दुनिया को इतना ज्यादा बढ़ गया, ग्लोबल ट्रेड की वजह से US बहुत पैसा कमाने लग गया। अब ऐसा एक टाइम आया US के अंदर कि वहां पे एक कॉमन मैन, ठीक है, लोएस्ट से लोएस्ट ग्रेड का पर्सन जो था वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा, मनी जो था इन्वेस्ट कर रहा था। लेकिन वो मनी बस क्या था, बबल के तौर पे बढ़ता गया, बेस में तो कुछ इतना स्ट्रांग था नहीं, बस वो चीज बढ़ती गई। मीनवाइल US से अपनी स्टॉक मार्केट को बढ़ाया जा रहा था, लेकिन दुनिया के बाकी देश जो अभी तक खाली इंपोर्ट कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, वो भी तो अपने कंट्रीज में कुछ ना कुछ वापस प्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो उन्होंने वापस से जब प्रोडक्शन शुरू करी स्टूडेंट, तो 1929 का एक ऐसा पीरियड आया जिस पीरियड में एक्चुअली में
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो था, ठीक है, उसके एक्सपोर्ट्स को सिवियरली बाकी देशों ने बॉयकॉट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, अभी हमको आपका एक्सपोर्ट्स का जो आइटम है वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बना ली है। तो जो डिमांड थी यूएसए की जो गुड्स की, वो धीरे 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 करके जो वर्ल्ड वाइड थी वो फॉल होने लग गई। ठीक है, वर्ल्ड वाइड जब ग्लोबल डिमांड फॉल हुई तो यूएसए को इससे क्या होने लग गया, ऑफकोर्स नुकसान होगा, तो यूएसए को इससे होने लग गया नुकसान। अब नाउ यूएसए वॉज इन दी ओपिनियन कि भाई मेरे को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूं, किस तरीके से इन हालातों को, इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाऊं। ठीक है, लेकिन वो यूएस कुछ कर सकता नहीं था इस केस में। लेकिन प्रॉब्लम ये आने लग गई कि जब यूएसए के अंदर, जब उसके डोमेस्टिक प्रोडक्शन की वजह, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन सरप्लस में होने की वजह से डिमांड उतनी थी नहीं, सप्लाई ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से जो प्राइस मिलने चाहिए थे लोगों को अपने गुड्स के, वो नहीं मिले। अब चाहे वो इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो एग्रीकल्चरल फार्मर्स थे, सारे लोग डेट में काम, क्योंकि स्टॉक मार्केट में काम तो ऐसे ही होता है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में काम तो ऐसे ही होता है कि तुमने लिया है तो तुमको रिटर्न करना पड़ेगा। अब लोग क्या करने लग गए कि भाई मेरे को पैसा तो आया नहीं प्रोडक्शन से, लेकिन जो मेरा डेटर है उसको तो मुझे पैसा, क्रेडिटर है उसको तो मुझे पैसा देना ही है। अब उसको पैसा देने के लिए जो भी पैसा, जो वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जो भी वहां के लोग थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में या बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ था, उन्होंने अपना सारा पैसा मांगना शुरू कर दिया। अब आप खुद सोच सकते हो कि अगर रातों रात किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर से सारा पैसा लोग मार्केट से निकालने लग जाएंगे कि नहीं भाई हमें हमारा पैसा चाहिए, होगा क्या, स्टॉक मार्केट क्रैश। 1929 में स्टॉक मार्केट जो था वो क्रैश हो गया। क्रैश होने की वजह से जो यूएस था वो पूरी तरीके से रिसेशन में चला गया, क्योंकि वो यूएस था, उसने जर्मनी को, यूके को और बाकी देशों को क्या दे रखे थे, बाकी देशों को लोन दे रखा था। तो जिसकी वजह से हुआ ये कि सारी कंट्रीज को वो लोन इमीडिएटली पे बैक करना पड़ा, और ये इमीडिएटली लोन पे बैक करने की वजह से क्या हुआ, इमीडिएटली लोन पे बैक करने की वजह से वो जो इकोनॉमीज जो यूएसए पे कहीं ना कहीं डिपेंड करती थी, वो इकोनॉमीज भी धीरे 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 करके क्या करना शुरू हो गई है, फॉल करना शुरू हो गई। इसलिए 1929 का जो इकोनॉमिक रिसेशन था वो इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर अब तक का सबसे बड़ा रिसेशन, या आप कह सकते हो डिप्रेशन माना जाता है, क्योंकि उसने दुनिया के सारे बड़े देशों को बर्बाद कर दिया। ठीक है, अब इसके पीछे की जो बहुत बड़ी वजह है वो क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एनहेंस करना और इंपोर्टेड सामान को ना लेना। तो उस टाइम पे देशों ने सोचना शुरू किया कि भाई अगर हमें अपनी कंट्री को मजबूत बनाना है तो पहले डोमेस्टिक प्रोडक्शन को जो है स्ट्रांग करना पड़ेगा, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्ट्रांग होने का तरीका यही है कि बाहर से जो आ रहे ट्रेड है उनको रोको, तो तुम बैरियर्स इंपोज करो, जितने ज्यादा बैरियर होंगे ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो ट्रेड है वो बच जाएगा। तो ये एक्चुअली में कहानी हुई थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू के बाद लोगों को लगा कि यार ऐसा हो नहीं पाएगा, अगर हमें अपनी कंट्रीज को बढ़ाना है, ट्रेड को अपलिफ्ट करना है, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहिए, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत की रोल प्ले करता है इंटरनेशनल बिजनेस इन सब चीजों के अंदर, राइट। ठीक है, तो वही इसीलिए हम IMF को पढ़ रहे हैं। ओके, दिस लेड टू द डीवैल्यूएशन ऑफ नेशनल करेंसीज एंड अ डिक्लाइन इन वर्ल्ड ट्रेड। दिस ब्रेकडाउन इन इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन क्रिएटेड अ नीड फॉर ओवरसाइट। अब जब सब देशों ने आपस में करना शुरू कर दिया तो एक दिक्कत आने लग गई, क्योंकि वर्ल्ड वाइड का जो ग्लोबल ट्रेड था वो फॉल होने लग गया। सो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 45 गवर्नमेंट्स मेट इन द माउंट वॉशिंगटन होटल इन ब्रेटन वुड्स, जिस सिस्टम के बारे में हमने प्रीवियसली बात भी की थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इज लाइक हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मेजरली थ्री थिंग्स। वो तीन चीजें क्या थी कि पहला IMF का ओरिजिन, वर्ल्ड बैंक का ओरिजिन, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मतलब जिस जो आप शायद जानते भी होंगे और नहीं पता तो मैं बता देता हूं, यूएस डॉलर जो है उसको एक ग्लोबल करेंसी के तौर पे बनाना, उसको अपने हर कंट्री का एक रिजर्व सिस्टम जो है उसका पार्ट बनाना, उसी में साइन करवाए गए थे, राइट। सो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 45 गवर्नमेंट्स मेट इन माउंट वॉशिंगटन होटल इन ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अग्रीड ऑन अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। दस द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड ऑन July 22, 1944 at the Bretton Woods Conference and came into existence on December 27, 1945 when 29 countries signed the Articles of Agreement, right? So there were two plans on the role of IMF should assume as a global economic institution at the Bretton Woods Conference.
ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स। आई होप स्टूडेंट्स ये जे एम कीन्स का नाम आप सब लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि मैं एक बात आपको बता देता हूं, डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा जे एम कीन्स कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के बारे में। और आप में से बहुत से स्टूडेंट एक बात को शायद जानते भी होंगे, जे एम कीन्स को स्टूडेंट्स कहा जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जे एम कीन्स को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है प्रोफेसर एडम स्मिथ को। लेकिन जो प्रोफेसर एडम स्मिथ थे और उनके जैसे जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन लोगों ने मतलब क्लासिकल और जो उनको मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की थ्योरीज कुछ अलग थी, ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे। लेकिन चाहे जे एम कीन्स चाहे एल्फर्ड मार्शल हो गए, चाहे जेबी से हो गए, या फिर चाहे एल्फर्ड मार्शल, एडम स्मिथ, एसी पीगू हो गए, ये इकोनॉमिस्ट कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, इन लोगों का मानना क्या था, इन लोगों का मानना ये था कि इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के सब कुछ हो सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ ली तो दुनिया जो है मार्केट मैकेनिज्म पे चलती है, प्राइस थ्योरी पे चलती है, तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। प्राइस थ्योरी अपने आप में सफिशियंट है, गवर्नमेंट हैज नो रोल टू प्ले, क्योंकि ये अज्यूम करके चलते थे कि दुनिया में कभी रिसेशन डिप्रेशन जैसी चीजें आ ही नहीं सकती, तो सरकारों की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत अप एंड डाउन अगर दुनिया में कभी आएगा तो वो प्राइवेट प्लेयर्स खुद हैंडल कर लेंगे। तो लेकिन जब 1929 का रिसेशन आया, वो 1929 से लेकर 1934 तक चला था। 1934 तक आने के बाद भी जब कोई सोल्यूशन नहीं आया तो लोगों ने इकोनॉमिस्ट को बोला कि तुमने तो बोला था कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, पहली बात तो आएगी नहीं, डिप्रेशन रिसेशन अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें जो है वो टोटली थ्योरिटिकल चीजें, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन चलो आ भी गई, अगर आ गई तो तुमने कहा था मार्केट मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी तो रेट कम हो जाएंगे, रेट कम होने से डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो वापस चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। ऐसा नहीं हो रहा। तब एक्चुअली में जो फादर ऑफ जो जे एम कीन्स थे, ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश गलत लिखा हुआ है, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, कहीं मैं ही तो नहीं भूल गया हूं, चेक कर लूं क्या एक बारी, ब्रिटिश लिखा हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर, लाइक ठीक है शायद होंगे, बट एक बार प्लीज चेक कर लेना। ठीक है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, लेकिन मेरी ज्यादा नॉलेज कह रही है कि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, खैर जो भी है, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा नहीं, एक्चुअली में बिना गवर्नमेंट के कोई भी देश कभी भी रेगुलेट नहीं कर सकता। आप एक देश को फ्रीडम दे सकते हो प्रोडक्शन करने की, कि वो जो मर्जी चाहे प्रोडक्शन कर सकते हैं एक फ्रेमवर्क में रहके, कि दैट शुड नॉट बी इलीगल, बट गवर्नमेंट हैज की रोल टू प्ले इन दी एवरी इकोनॉमी, तभी वो इकोनॉमी में जो सोशल इविल्स वाली प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल वाली प्रॉब्लम, वो वाइप आउट की जा सकती है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स हैज नो कंसर्न अबाउट दैट। सो जे एम कीन सजेस्टेड दैट द आईएमएफ शुड बी अ कोऑपरेटिव फंड अपॉन विच मेंबर स्टेट्स कुड ड्रॉ टू मेंटेन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट थ्रू पीरियडिक क्राइसिस, कीन्स प्लान। अमेरिकन डेलीगेट हैरी डेक्सटर वाइट सजेस्टेड दैट द आईएमएफ मस्ट फंक्शन मोर लाइक अ बैंक, मेकिंग श्योर दैट द बोरोइंग स्टेट्स कुड रीपे देयर डेट्स ऑन टाइम, राइट। ऑल्दो बोथ प्लान्स फॉर यूज, मतलब उन्होंने बोला कि भाई ये लोग सारे लोग आईएमएफ में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और टाइमली जब भी इनको पैसा चाहिए होगा ले सकते हैं, जबकि अमेरिकन डेलीगेट जो थे उन्होंने बोला कि बैंक की तरह काम करेगा भाई पूरी तरीके से, कोई वेलफेयर के लिए काम करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन हम नहीं बना रहे। तो दोनों प्लान्स पे काम किया गया, बट मोस्ट ऑफ व्हाइट्स प्लान वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फाइनल एक्ट्स अडॉप्टेड एट ब्रिटन वुड्स। लेकिन जो व्हाइट्स के ज्यादा, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है ना कि अगर तुम उसको सोशल इंस्टीट्यूशन बना दोगे तो वो रन करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज व्हाई एनी कंट्री वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट मोर, नो नॉट इवन अ सिंगल कंट्री वॉन्ट्स टू कॉन्ट्रीब्यूट मोर एंड मोर टू सम काइंड ऑफ वेलफेयर। ठीक है, कभी कभी पीरियोडिक हमने कॉन्ट्रीब्यूशन करते दैट इज ओके, बट रेगुलर नहीं करेंगे। बट अगर बैंकिंग सिस्टम होगा तो जितनी बार लोन लेंगे वी हैव टू, राइट। सो The stated objectives of IMF are to promote international economic cooperation, international trade, employment and exchange rate stability, including by making financial resources available to member countries to meet balance of payments needs. Its headquarters are in Washington DC, United States. It originally had 4 members. Now the 188 members of IMF include 187 members of the UN and the Republic of Kosovo. All members of the IMF are also members of the International Bank for Reconstruction and Development, which is nothing but World Bank. Objectives ki baat kar lete hain ki kya kya objectives hain World Bank ke aapke paas, right? Chalo,
So the IMF describes itself as an organization of 188 countries working to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world. ठीक है, तो क्योंकि देखो IMF काम तो वर्ल्ड बैंक जैसा ही कर रहा है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे ही होंगे, लेकिन मेजर इसके ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा है बैंक वाले हैं. तो IMF allows the system to for the rebuilding of international capitalism with the maximization of national एक मिनट रुको, मैं बता देता हूं यहां पे एग्जैक्टली वर्ड क्या है. नेशनल इकोनॉमिक सॉवर्जनिटी, नेशनल इकोनॉमिक, ओके आगे यहां पे सॉवर्जनिटी, राइट, कि इसका कंट्रीब्यूशन करने का काम है. ह्यूमन वेलफेयर विच इज नोन एज एम्बेडेड लिबरलिज्म, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMF as stated in the fund agreement are as follows. So objectives kya hai wo dekho, baat karte hain. Pehla objective hai to promote international, just a second students, hello, main abhi class se nikalte aapko call karta hu, theek hai, haan ji, chalo. So to promote international monetary cooperation through a permanent institution that provide machinery for consultation and collaboration of international monetary problems. So inka pehla kaam kya hai, इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉपरेशन को बनाना, ठीक है, थ्रू अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स मशीनरी फॉर कंसल्टेशन एंड कोलैबोरेशन ऑफ ऑन कोलैबोरेशन ऑन इंटरनेशनल मॉनिटरी प्रॉब्लम्स. ठीक है, मतलब क्या करना, एक ऐसा सिस्टम तैयार करना कि आपको एक कंसल्टेशन वगैरह सब कुछ दी जाएगी, जिससे कि आप इंटरनेशनल जो बाकी इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके ऊपर विचार कर सके और सोच सके. नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन इन बैलेंस्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड and to contribute to the promotion and maintenance of high levels of employment and real income and development of the productive resources of all members as primary objectives of economic policy. मतलब इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले इस चीज को ध्यान देना कि हर एक कंट्री के अंदर जिस भी तरह के रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को टैप करके, उन रिसोर्सेज को समझना और उन कंट्रीज में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इस एक्सटेंशन पर लेके जाना, इस लेवल पर लेके जाना कि एम्प्लॉयमेंट जो है सबसे ज्यादा बढ़ सके और वहां के लोगों की रियल इनकम जो है वो पूरी तरीके से बढ़ सके, राइट. नेक्स्ट, टू प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी, टू मेंटेन ऑर्डरली एक्सचेंज अरेंजमेंट्स अमंग मेंबर्स, ओके, टू अवॉइड कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज डेप्रिसिएशन. मतलब एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को चेक करना और एक तरीके से अरेंजमेंट्स करना, जिससे कि कोई कंट्री जानबूझ के अपने एक्सचेंज को इतना डेप्रिशिएट ना करे ताकि उसमें बहुत ज्यादा फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट हो जाए. देखो एक्सचेंज रेट एक अलग टॉपिक है आपके पास, ठीक है, लेकिन अज्यूमिंग दैट आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा और आपको अच्छा खासा आइडिया होगा एक्सचेंज रेट के बारे में, तो ज्यादा तो जो कंट्रीज आज की डेट में एक्सचेंज रेट रखती है वो मैनेज फ्लोटिंग में रखती है, ठीक है. मान लो कोई एक कंट्री है, जैसे अगर मैं आपसे वियतनाम की बात करूं, तो वियतनाम के अंदर जो एक्चुअली में करेंसी है जो काफी वीक है, तो अब वियतनाम में करेंसी वीक है, तो ऐसा ये जैसे अगर मैं एक इंडियन रुपी की बात करूं, तो एक INR वियतनाम में करीबन करीबन जो मेरा लास्ट मेरे को डेटा याद है उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ 300-290 के आसपास उनका डोंग चलता है, इसके बराबर होता है. तो इससे तो हर इंडियन जाकर के वहां पे एक्सपेंडिचर करने लग जाए, ऐसा नहीं होता. अगर वहां पे करेंसी इतनी वीक है तो इन्फ्लेशन के साथ रेट वहां पे उतने ही पहुंच जाएंगे जितने आपके यहाँ पे है. अब जाके देख लेना, तो जितना रेट यहां मिलेगा उतना ही आपको उन चीजों का रेट वही अप्रोक्सीमेटली उतना ही मिलेगा. थोड़ा बहुत सस्ता, थोड़ा बहुत महंगा होगा, बट इतना भी नहीं होगा कि आप यहां से अपने कुछ पैसे लेके जाओ, सोचो वहां पे बैठ करके खा लोगे, ऐसा नहीं होने वाला, इन्फ्लेशन उतना ही होगा. अब अगर कोई जानबूझ के अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करता चला जाए, नीचे लाता चला जाए, तो इससे होगा क्या, इससे एक बात आ जाती है कि क्या कहते हैं, देखो इससे होता क्या है, इससे ये हो जाता है कि भाई अगर आपकी करेंसी लगातार डेप्रिशिएट होती जाती है तो इट जस्ट अट्रैक्ट योर फॉरेन कैपिटल. ये क्या करता है, आपके फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आप सोच के देखो आपको पता चलेगा ये चीज सस्ती है. सस्ते का मतलब क्या, सस्ते का मतलब है मोर एंड मोर पीपल विल बाय इट, यही होगा ना सस्ते का मतलब, तो दिस इज व्हाट आई मीन. तो इसे उसको देखना कि कोई अननेसेसरी करेंसी को डेप्रिशिएट ना करे. टू असिस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट ट्रांजेक्शन बिटवीन मेंबर्स
एंड इन द एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन रिस्ट्रिक्शंस व्हिच हैम्पर द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। मतलब इस चीज को देखना कि मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स जो है वो एस्टैब्लिश होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि एक मोड ऑफ पेमेंट सिर्फ यूएस डॉलर होगा, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट एक्चुअली में अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखी जाए तो यूएस डॉलर भी है कई जगह पे। आप देखना यूरो को और पाउंड को भी एक्सेप्ट किया जाता है, जैपनीज येन भी आजकल पावरफुल, दो इतनी टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट इतना स्ट्रांग नहीं है, बट जैपनीज करेंसी इज अगेन लाइक गेनिंग स्ट्रेंथ इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये चीज देखी जाती है, राइट। नेक्स्ट है टू गिव कॉन्फिडेंस टू मेंबर्स बाय मेकिंग द जनरल रिसोर्सेज ऑफ द फंड टेम्परेरली अवेलेबल टू देम अंडर द एडिक्वेट सेफगार्ड, दस प्रोवाइडिंग विद देम विद द अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट द माल एडजस्टमेंट्स इन देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स विदाउट रिसोर्टिंग टू मेजर डिस्ट्रक्टिव ऑफ नेशन ऑन इंटरनेशनल प्रोस्पेरिटी। मतलब इस चीज को देखना कि जो मेंबर कंट्रीज हैं देश के अंदर उनको टेम्परेरली जो फंड वगैरह अवेलेबल है वो सफिशियंटली टाइम पे फंड्स वगैरह अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। किसी तरह के उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट में जैसे हमने पढ़ा था ना बीओपी डेफिसिट हो जाते हैं, उन डेफिसिट को मेंटेन करने में उनको हेल्प करना। एंड लास्ट है इन अकॉर्डिंग टू द अबव टू शॉर्टन द ड्यूरेशन एंड लेसन द टू शॉर्टन द ड्यूरेशन एंड लेसन द डिग्री ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो मतलब किसी भी तरीके से कोशिश करना कि जो डिसइक्विलिब्रियम बीओपी डेफिसिट लगातार जा रहे हैं तो टाइमली उन कंट्रीज के अंदर भी इतनी प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाए कि बीओपी डेफिसिट जो इनका लगातार धीरे धीरे क्या होने लग जाए, रिड्यूस होने लग जाए। तो देख रहे हो कि इसके पास जो ऑब्जेक्टिव है IMF के पास वर्ल्ड बैंक से कंपेरेटिवली ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स, राइट। जब तक इसे पढ़ो आप, एक मिनट देना मुझे बस। चलिए आगे बात करते हैं, फंक्शंस क्या क्या IMF के। टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बाय एमिंग टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स बाय मेंबर नेशंस। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है कि वो क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा किस चीज में, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने में बैरियर जो अननेसेसरी के हैं इनको रिमूव करके मेंबर नेशंस के बीच में। नेक्स्ट है टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स बाय ऑर्डरली एडजस्टमेंट, जो अभी हमने पढ़ा था। टू इंप्रूव लॉन्ग टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजिशन ऑफ मेंबर नेशंस बाय ऑल्टरिंग पार वैल्यूज ऑफ करेंसी ऑफ मेंबर नेशंस, ठीक है। इंप्रूव करना किसको, लॉन्ग टर्म जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजिशन है ताकि जो वैल्यूज हैं उनको ठीक किया जा सके। टू प्रमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। ये दोनों कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक भी करने में लगा हुआ है और IMF भी करने में लगा हुआ है, क्योंकि हम चाहते ही ये है कि किसी भी तरीके से जो ग्लोबल लेवल पे पॉवर्टी है उसे रोका जा सके। देखो स्टूडेंट्स, लिटरल क्या हो रहा है, हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक भी बहुत अच्छा है, सब करने को तैयार है, ये है वो है, लेकिन लिटरल हमने पढ़ा ना कि कुछ ड्रॉबैक्स है कि जो कंट्रीज है उसमें फेवरेटिज्म चल जाता है, ये तो हमने पढ़ा ही था ना, राइट। ये तो हमने पढ़ा ही था, तो लिटरल क्या चल रहा है उसको छोड़ देते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये समझो क्या है कि एक बात मैं बहुत सिंपल सी बताता हूँ कि क्यों ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए गए जो वर्ल्ड में पॉवर्टी हटा सके। करने को जो दिन देशों ने बनाया वो अपने देश में ही कर सकते थे, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूं ऐसा हो नहीं रहा है, दिखावा किया जा रहा है, बट बनाने के पीछे के ऑब्जेक्टिव जो है मान लेते हैं वो भी दिखावा था, एक एग्जांपल मान लेते हैं, बट कुछ लेवल तक पे तो IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो हेल्प करते हैं जो भी कंट्रीज हैं उनको। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो एक बात समझो, आज आप जानते हो अगर आप मान लो दिल्ली में रहते हो या फिर आप हैदराबाद में रहते हो, ठीक है, या फिर लेट्स सपोज आप चेन्नई में रहते हो या फिर आप कोलकाता में रहते हो या फिर आप अहमदाबाद में रहते हो, ठीक है, या फिर मुंबई में रहते हो, ठीक है। तो अगर आप इन सिटीज में से कहीं पे रहते हो तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाओगे स्टूडेंट, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, एक दो और कोई होंगी तो ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, इन सिटीज में ज्यादातर आपको कल्चरल डाइवर्सिफाइड मिलेगा क्योंकि पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आर माइग्रेटिंग और मूविंग टुवर्ड दीज सिटीज। रीजन क्या है, इन परस्यूट ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज विद अ गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब चीजों की तलाश में लोग आते रहते हैं, जिसकी वजह से आप समझना इन सिटीज का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन हो, ठीक है, चाहे इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी भी हो। क्यों, क्योंकि देखो अब कोई पर्टिकुलर पर्सन है किसी एक गांव के एरिया से उठ करके इन अर्बन एरिया में आ गया, उसके पास वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं थी, लेकिन अर्बन एरियाज को भी जो जॉब वो जानता है वो ज्यादा नहीं चाहिए। अर्बन एरियाज ज्यादातरली हमारे देश में खासकर
सर्विस सेक्टर वाले हैं, तो वो पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर वो लेबर क्लास जॉब में आ जाता है। तो पहले वो रूरल पॉवर्टी का पार्ट था, बट वो किसका पार्ट बन गया? अर्बन पॉवर्टी का। सिमिलरली पहले वो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट था, अब वो किस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो सॉर्ट होनी चाहिए थी वो सॉर्ट नहीं हुई। सेम ऐसा ही होता है कब? इन कंट्रीज के बीच में। आज क्यों बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं, मैं फिलहाल अगेन पॉलिसीज को 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिलहाल हम वैसे बात करते हैं, क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज में जाना पसंद करते हैं? उसके एक बहुत बड़ी वजह, बिल्कुल सही सोच रहे हो कि सर एजुकेशन अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो फैक्टर लोगों को अट्रैक्ट करता है वो आप डिनाई नहीं कर सकते, दैट इज इनकम। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक हेलिंग फ्रॉम पंजाब हरियाणा, इन पंजाब हरियाणा और कुछ और थोड़े बहुत नॉर्थ रीजन के जो हैं, यहाँ से मैक्सिमम लोगों को जो टारगेट है वो यही है कि वहां पे जाना है, क्योंकि वहां पे पैसा ज्यादा मिलेगा, वहां पे डॉलर कमाएंगे, अपने देश में भेजेंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और तुम पढ़ाई ही करने जाते तो क्यों तुम ट्रक ड्राइवर बन रहे होते, या तुम क्यों मैकडॉनल्ड्स पे काम कर रहे होते? मैं बिल्कुल भी आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है, ऑल द वर्क्स आर इक्वल, बट वो एक एक्सटेंड तक होना चाहिए ना। आप पढ़ने गए थे, आपको अपनी पार्ट टाइम में आपने सप्लीमेंट किया अपनी इनकम को, अपनी स्टडीज को, विच इज वेरी गुड थिंग, इंडीड इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन होता क्या है कि हम किसी भी कॉलेज में जाते हैं, मेनली हम यही रहते हैं कि यही करते रहेंगे, काम चल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता दैट एवरी इंडियन दैट इज गोइंग टू वहां पे बहुत अच्छा बिजनेस सेट करते, नहीं, ज्यादातर इंडियंस इसी रेस का पार्ट बन जाते हैं। इसी चीज को रोकना, क्योंकि अगर आपके देश में ही एम्पल अपॉर्चुनिटीज होंगी तो आप मूव करने की नहीं सोचोगे, राइट। To assist in the establishment of multinational system of payments in respect of current transactions between the member countries. So, ये चीजें हैं, right? ये functions, वही objective functions हो गए। Next है to promote monetary cooperation, okay? To provide and establish multilateral payments and trade system in place of bilateral agreements, ठीक है? वो कह रहे कि पहले जो bilateral होता था कि भाई एक देश दो देश, बस दो देश मिलेंगे, नहीं, अब multilateral systems को establish करना। To facilitate foreign exchange transactions among the members and function as a reserve of currency of member nation. मतलब इनके पास, मतलब जो मेजर कंट्रीज इनकी होती हैं, उनकी जो मेजर करेंसीज होती है उनका रिजर्व इनके पास रहता है। टू फैसिलिटेट सेलिंग और लेंडिंग ऑफ करेंसीज, अगर तुम्हें सेल करना है फॉरेक्स या तुम्हें बोरो करना है तो आपको हेल्प करेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म मॉनेटरी हेल्प चाहिए तो उसमें आपकी हेल्प की जाएगी। सो ये सारे हमारे पास क्या हो गए? फंक्शंस हो गए आपके, किसके? IMF के। अब बात करते हैं इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट कैसा है। पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसका समझा था? पहले हमने समझा था वर्ल्ड बैंक, अब इसकी बात करते हैं। पहले वही सेम जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यहां भी है। ऑल पावर्स ऑफ द IMF आर वेस्टेड इन इट्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑन विच ऑल मेंबर स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड। दिस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द IMF। द बोर्ड ऑफ गवर्नर कंसिस्ट ऑफ वन गवर्नर एंड वन ऑल्टरनेट गवर्नर फॉर ईच मेंबर कंट्री, सेम विद वर्ल्ड बैंक। ईच मेंबर कंट्री अपॉइंट्स 2 गवर्नर्स। नॉर्मली एवरी कंट्री अपॉइंट्स इट्स फाइनेंस मिनिस्टर और द गवर्नर ऑफ इट्स सेंट्रल बैंक एज द गवर्नर, राइट। The governor has right to vote. The board normally meets once a year and is responsible for electing and appointing executive directors to the executive board and review the previous year's activities of funding. Any 5 members of the member countries having 25% of the total voting rights can call a special meeting, while the board of governors is officially responsible for approving quota increases, special drawing rights allocation, the admittance of new members, compulsory withdrawal of members, the amendments to the article of agreements and bylaws. In practice, the board has delegated most of its power to the IMF's executive board. Same वही बात हो गई कि governor जो वगैरह है, वो जो main authorities है वो अपने पास रखेंगे, लेकिन जो functional authority, जो काम करने वाले जो functions authority है, वो किसको दे दी जाएगी? Executive board को, जैसे कि World Bank कर रहा है। अब executive board क्या है? So the executive board consists of 24 executive directors and 24 alternative. So these are responsible for the fund general operations, and for this purpose they exercise all the powers delegated to them by the board of governors. So they function in the continuous session at the fund's headquarters and meet as often as business may require, usually several times a week. The executive directors represent all 188 member countries. Okay, countries with large economies have their own executive directors, of course, but most countries are grouped in constituencies representing 4 or more countries. ठीक है, जो बड़ी countries है, जैसे US जैसी countries हो जाती हैं, ठीक है, US हो गया, Europe जैसी, Europe का तो खैर अपना भी एक union बना हुआ है,
बट इनमें जो बड़ी कंट्रीज है उनका अपना चलता है. आउट ऑफ द 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 5 आर अपॉइंटेड बाय द कंट्रीज हैविंग द लार्जेस्ट कोटास. ऑफ कोर्स, सो जिसमें से यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है. इससे ये समझ में आ जाता है कि इनकी जो करेंसीज है वो ऑफ कोर्स क्यों इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे में भी एक्सेप्ट की जा सकती है, राइट. एंड दी अदर 19 आर इलेक्टेड बाय रीजनल ग्रुप्स ऑफ द रिमेनिंग मेंबर्स. सो द IMF's मैनेजिंग डायरेक्टर ऑल्सो सर्व्स द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉलोइंग द 2008 अमेंडमेंट ऑन द वाइस एंड पार्टिसिपेशन 8 कंट्रीज इन ईच पॉइंट एट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. द यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी, फ्रांस एंड द यूनाइटेड किंगडम, चाइना, द रशिया फेडरेशन एंड सऊदी अरेबिया. द रिमेनिंग 16 डायरेक्टर रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज कंस्टिट्यूटिंग ऑफ 4 to 22 कंट्रीज. ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड हो गया. नेक्स्ट बात करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर की. सो द IMF इज लेड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर हु इज द हेड ऑफ द स्टाफ एंड सर्व्स एज द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड. ये बात तो क्लियर होगी कि जो IMF है वो मैनेजिंग डायरेक्टर चलाएगा, जो क्या होगा, हु इज द हेड ऑफ द स्टाफ, जो साझे स्टाफ का हेड होगा और वो क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन, जो प्रीवियस हमने पढ़ा था. द मैनेजिंग डायरेक्टर हु इज चूजन बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ द फंड. ही और शी इज अपॉइंटेड फॉर अ 5-year टर्म एंड मे नॉट सर्व कॉन्करेंटली एज अ गवर्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द IMF. सेम रूल आ गया वर्ल्ड बैंक वाला. सो द IMF, द मैनेजिंग डायरेक्टर चेयर्स मीटिंग्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बट मे वोट ओनली इन केस ऑफ अ टाई. सेम वही सेम वाला बात है कि टाई होगा तो ही किया जाएगा वरना नहीं. नेक्स्ट है इंटरिम कमेटी. इंटरिम का मतलब ही होता है इन बिटवीन. तो इंटरिम कमेटी क्या है? द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एज अ एडवाइजरी कमेटी द इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी formally known as the interim committee which meets twice a year. समझ गए ना? वैसे जो बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग है आपको बोला गया था अभी अभी कि एक साल में एक बार होगी, लेकिन इंटरिम का मतलब क्या है, बीच में दो बार हो गई. ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, so its composition reflects that of the executive member each country that appoints and each group that elects as a executive director also appoints as a member of IMFC. ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है. आगे में क्या लिखा हुआ है, these members are governors of the fund, ministers और अदर comparable bank, मतलब उस लेवल के जो होंगे, उस लेवल के बैंक वगैरह के जो हेड्स होंगे उनको माना जाएगा. नेक्स्ट है डेवलपमेंट कमिटी. अब डेवलपमेंट कमिटी स्टूडेंट्स क्या है, द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इज एडवाइज बाय द डेवलपमेंट कमिटी. जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उनको एडवाइज किया जाता है किसके थ्रू, डेवलपमेंट कमिटी के थ्रू. द डेवलपमेंट कमिटी हैज 25 मेंबर्स. सो डेवलपमेंट कमिटी के पास क्या होते हैं, 25 मेंबर्स होते हैं एंड एडवाइजेस ऑन क्रिटिकल डेवलपमेंट इश्यूज and on financial resources required to promote economic development in developing countries. The committee also advises on trade and global environmental issues. So, ये आपके पास पूरा का पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया आपके पास कि कैसे ये काम करता है. चलो इसे एक बार रीड करो, एक मिनट दो मुझे बस. चलो अब बात करते हैं वोटिंग पावर IMF में कैसे आती है. तो वोटिंग पावर इन द IMF इज डिटरमाइंड बाय अ कोटा सिस्टम, समझ रहे हो ना. ईच मेंबर हैज अ नंबर ऑफ बेसिक वोट्स प्लस वन एडिशनल वोट फॉर ईच स्पेशल ड्रॉइंग राइट ऑफ 1 lakh ऑफ अ मेंबर कंट्रीज कोटा. ठीक है, द 2008 रिफॉर्म फिक्स द नंबर ऑफ बेसिक वोट्स एट 5.502% ऑफ टोटल वोट्स. The present number of basic votes represents close to a tripling of the number prior to the effectiveness of the 2008 reform. ज़्यादा important नहीं है, पर read कर लो, बहुत है. मुश्किल ही है कि ये आएगा. Quota subscription of a member country is a central component of the IMF's financial resources. Each member country of the IMF is assigned a quota based broadly on its relative position in the world economy. So the quota of a member country determines its maximum financial commitment to the IMF, its voting power and has a bearing on its access to IMF financing. When a country joins the IMF, it is assigned an initial quota in the equal range as the quotas of existing members that are broadly comparable in economic size and characteristics. The IMF uses a formula to assess the relative position of a member country. So, this is a simple si baat hai. ठीक है, तो जैसे उसने कैसे निकाला, क्या फॉर्मूला यूज किया, जीडीपी वेट ऑफ 50%. जीडीपी इज मेजर एज अ ब्लेंड ऑफ जीडीपी बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट वेट ऑफ 60% एंड पीपीपी एक्सचेंज रेट. मतलब तुम्हारा जीडीपी जो है उसके बेसिस पे, ठीक है, तुम्हारा जीडीपी एट एमपी और तुम्हारा जीडीपी एट एफसी, मतलब जो परचेजिंग पावर रियल एक्सचेंज रेट में आता है. फिर आपके पास क्या है, ओपननेस, क्या आपने कितना इंटरनेशनल ओपननेस का रखा है,
इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कि आपका जो कंट्री कितना डाइवर्सिफाइड है और आपके पास इंटरनेशनल रिजर्व कितने हैं, ये आपका फॉर्मूला बन के आता है, राइट? ठीक है. सो द फॉर्मूला ऑल्सो इंक्लूड्स अ कंप्रेशन फैक्टर दैट रिड्यूसेस द डिस्पर्शन इन कैलकुलेटेड कोटा शेयर्स अक्रॉस मेंबर्स. कोटाज आर डिनोमिनेटेड इन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स द आईएमएफ यूनिट ऑफ अकाउंट. द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द आईएमएफ इज द यूनाइटेड स्टेट्स विद अ करंट कोटा ऑफ एसडीआर 42.1 बिलियन. ठीक है. एंड द स्मॉलेस्ट मेंबर इज टूवालु विद अ करंट कोटा ऑफ डॉलर एसडीआर 1.8 मिलियन. ठीक है. एसडीआर जिसके डॉलर की वैल्यू ये है. तो द एसडीआर इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट. व्हाट इज एसडीआर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. Created by the IMF in 1969 to support the Bretton Woods fixed exchange rate system and supplement its member countries' official reserve. Its value is based on a basket of four key international currencies. SDRs can be exchanged for freely usable currencies. The SDR is neither a currency nor a claim on the IMF. It is a potential claim on the freely usable currencies of IMF member. SDR क्या है? मतलब उसने एक रिजर्व बना रखा है, राइट? उस रिजर्व के अंदर से फ्रीली यूजेबल करेंसीज है कि आपको कुछ भी नहीं देना, बट आप वो करेंसीज को अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या कर सकते हो, आप उसे यूज कर सकते हो. सो आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि होल्डर्स ऑफ एसडीआर कैन ऑब्टेन दीज करेंसीज इन एक्सचेंज फॉर देयर एसडीआर इन टू वेज. फर्स्ट थ्रू द अरेंजमेंट ऑफ वॉलंटरी एक्सचेंजेस बिटवीन मेंबर्स. सेकेंड बाय द आईएमएफ डेजिग्नेटेड मेंबर्स विद स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल पोजीशंस टू परचेज एसडीआर फ्रॉम मेंबर्स विद वीक एक्सटर्नल पोजीशंस. इन एडिशन टू इट्स रोल एज अ सप्लीमेंट्री रिजर्व असेट द एसडीआर सर्व्स एज द यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ द आईएमएफ एंड सम अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. द वैल्यू ऑफ अ एसडीआर इज द वेटेड करेंसी बास्केट ऑफ फोर मेजर करेंसीज, द यूएस डॉलर, द यूरो, द ब्रिटिश पाउंड एंड द जैपनीज येन. द एसडीआर करेंसी वैल्यू इज कैलकुलेटेड डेली ऑन वर्किंग डेज एंड द वैल्यूएशन बास्केट इज रिव्यूड एंड एडजस्टेड एवरी 5 ईयर्स. So, इस तरीके से एसडीआर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है. चलो, की रोल जो है कोटास के अंदर वो क्या है वो देख लेते हैं. पहला है फाइनेंशियल रिसोर्सेज. कोटा सब्सक्रिप्शन ऑफ अ मेंबर डिटरमाइंस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज व्हिच द मेंबर इज ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड टू द आईएमएफ. अ मेंबर मस्ट पे इट्स फुल सब्सक्रिप्शन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द फंड इन विच अप टू 25% मस्ट बी पेड इन एसडीआर, राइट. वोटिंग पावर ऑफ वोटिंग शेयर. द कोटा लार्जली डिटरमाइंस द वोटिंग पावर ऑफ अ मेंबर country in the IMF decision, ये हमने पहले ही पढ़ लिया. Excess limit to financing, the amount of financing a member country can get from the IMF is based on its quota, right? तो ये हो गया students. चलो, तो student that is all for other financial institution. तो other financial institution में majorly हमें दो चीजें याद रखनी है, World Bank, IMF. और आप मान के चलो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा, चाहे वर्ल्ड बैंक के बारे में आ जाए चाहे वो आईएमएफ के बारे में दे दे, बट किसी एक के बारे में तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस के बारे में. तो समझने से ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है चीजें. तो इन दोनों टॉपिक्स को ढंग से पढ़ लेंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और प्लीज पढ़ते रहना, ठीक है. बाय.